गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा क्लास है वो मैथ्स रिलेटेड है, ठीक है। एंड आज हम लोग देखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर का डेमो टीचिंग कैसे देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर गुड? ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैंने अपने को लास्ट क्लास में सेप बताया था ना। You all understand the shape very clearly? Okay? All clear na? Okay. No one have confusion in shape chapter? Okay. अच्छा ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओ कि ये आप सभी इंटरेस्टेड हो मेरे साथ एक एक्टिविटी करने के लिए? You all are interested in it? Okay. तो let's start our activity. आप लोगों के पास बुक है ना, मैथ्स बुक आप सभी के पास है? Okay. चलो, तो अब एक काम करो आप लोग, एंड आप लोग सारे अपने जो बुक को है ना अपने डेस्क के ऊपर में रखो। ओके, एंड जस्ट ओपन इट। आप सभी अपने बुक को ओपन करो एंड अपसाइड डाउन बुक को रख लो अपने बेंच पे। ओके, सॉरी आई मीन अपने डेस्क पे सब लोग अपसाइड डाउन रख लो। ओके, मैं ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव बुक इन माई हैंड, बिकॉज सारे बुक तो आप लोगों के पास हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ कि आपके डेस्क पे ना बुक कैसे लग रहे होंगे। इस टाइप के बुक आपके हैं ना डेस्क पे, इस तरीके के बुक आप लोग को दिख रहे हैं? ओके, जब आपने उसे बीच से ओपन किया तो अपसाइड डाउन आपने रखा, आपने सारे ने अपसाइड डाउन रख लिया है। नाउ चलो, एंड यू ऑल हैव रूलर ना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, टू प्रोटेक्ट योर बुक, आप सभी बुक पे क्या करते हो? उसे कवर करते हो। ओके, ठीक है। बट आप लोगों को कभी अच्छा लगेगा कि अगर आपके बुक की जो कवर है वो टियर हो जाए तो वो आपको दिखने में अच्छी लगेंगे? नहीं ना। ओके, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप सभी क्या करते हो कि जो बुक के जो साइड में रहे ना, इसके जो एजेस होते हैं, इसके जो किनारे होते हैं, आप लोग उस पर क्या करते हो? यू यूज टेप। ओके, आप लोग क्या करते हो, उसके ऊपर टेप यूज करते हो ताकि वो वहां से टियर ना हो, वो वहां से फटे नहीं, ठीक है, फॉर मोर प्रोटेक्शन। कवर के ऊपर से भी आप लोग टेप लगा देते हो, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कैसे टेप लगाते हो उसके ऊपर में, कितना टेप आपने उसके ऊपर लगाया? यू ऑल हैव रूलर ना, वेरी गुड। तो आपने क्या किया, आपने इस एज से मान के चलो यहां पर से आपने टेप लगाना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक आपने टेप यूज किया, देन इस पॉइंट पर आप आ गए, फिर यहां से टेप आपने लगाया, इस पॉइंट पे आप आ गए, नाउ फिर आपने यहां तक टेप लगाया, एंड अगेन फिर आपने यहां तक उसे पूरा कवर कर दिया टेप से, ठीक है, यही करते हो ना आप सभी। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आपने टोटल बुक में कितने आपने टेप लगाए, आपके टेप का लेंथ क्या था? तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यू ऑल हैव टू मेजर द एजेस ऑफ द बुक। आपने सारे यहां से जो है ना पूरी बाउंड्री है ना बुक की, आप उसे रूलर से मेजर करोगे। चलो आप सभी एक्टिविटी करो और अपने बुक को जो है ना मेजर करके बताओ, ठीक है अभी। ओके, मैं वन बाय वन पूछ रही हूँ। राजेश, आप मुझे बताओ, आप पहले अपना मेजर करो और ये बताओ कि इसका लेंथ क्या है, आप लोगों का क्या आया, सबका क्या आया है लेंथ? 25 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 25 सेंटीमीटर आप लोगों का लेंथ आ गया। अब आप बताओ सीमा, यहां से यहां तक का मेजर करो, ठीक है, इस कॉर्नर से। हाँ, वेरी गुड, कितना रहा आपका? 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब यहां से यहां तक का मेजर करके मुझे कौन बताएगा? यस आयुष, आप बताओ मुझे। सेम 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर, एंड यहां से यहां तक अगर मेजर करते हैं तो कितने सेंटीमीटर ये होते हैं? 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। एंड मैंने आपको सेफ चैप्टर में बताया था ना कि इस शेप को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो जब आप लोगों ने बुक को अपना ओपन किया तो आप लोगों का बुक जो है ऊपर से किस शेप का दिख रहा है? रेक्टेंगल शेप। ओके, तो अब बताओ आपने जो है टोटल टेप कितने यूज किए अपने बुक को कवर करने के लिए, उसकी बाउंड्री को कवर करने के लिए? 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितने हो गए? एटी सेंटीमीटर, ठीक है,
80 सेंटीमीटर ये हमारे हो गए टोटल। तो आपने टोटल कितना टेप यूज किया? 80 सेंटीमीटर टेप आप लोगों ने यूज किया। ओके ठीक है, तो एक एक्टिविटी तो आप लोगों ने देख लिया। सारे के बुक में इतने ही लगे ना, सारे के बुक की लेंथ तो सेम है, बिकॉज यू ऑल हैव दिस मैथ सब्जेक्ट बुक ना। ठीक है, तो चलो मैं इसे यहाँ पे रब कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप लोग उसे और भी एक्टिविटी करवा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था, यस्टरडे क्लास में, कि आप सभी को जो है ना पेपर पे डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाकर लाने हैं। आप सभी ने वो बनाया है? यू ऑल डू, आपने किया है? ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, तो सीमा आपके पास जो पेपर है, आप मुझे कोई एक पेपर दो या मुझे दिखा दो पेपर। ओके व्हाट्सएप इट इज, इट इज ट्राइंगल। ओके सीमा हैज ट्राइंगल शेप ऑफ पेपर इन हर हैंड। सीमा अब आप उसके जो है ना बाउंड्री को मेजर करो एंड मुझे बताओ कि वो बाउंड्री कितनी है। ठीक है, कितनी बाउंड्री है इसकी? 20 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, एंड वट अबाउट दिस, दिस इज 35 सेंटीमीटर। ओके आपने ऐसा बनाया ना, चलो ठीक है। अब मान लो कि सीमा के पास एक ट्राइंगल है एंड सीमा को ना मैंने यहाँ पे एक्टिविटी दिया करने के लिए कि सीमा आप जो है एक थ्रेड लो, ठीक है, एंड जस्ट कवर द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल। ओके तो सीमा को कितने थ्रेड लगेंगे उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, कितने लेंथ की थ्रेड चाहिए होंगे सीमा को जिससे वो कवर हो सके फुल? तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप करोगे इसे फिर से ऐड। मान लो यहां से लेकर यहां तक कितने के हो गए, इसे मान लेती हूँ ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए से बी, ए प्लस से बी कितना होगा, ए बी 20 सेंटीमीटर, बी टू सी 20 सेंटीमीटर एंड सी टू ए 35 सेंटीमीटर। ओके तो टोटल कितने थ्रेड हो गए, टोटल कितने हो गए, 75 सेंटीमीटर। ओके तो इसी तरीके से आप बच्चों को वहां पे करोगे इंटरव्यूअर के सामने एंड फिर आप इसके अलावा भी एक्टिविटी करवा सकते हो कि हाँ राहुल के पास स्क्वायर शेप है, अब राहुल उसे थ्रेड को कैप थ्रेड से उसे पूरा कवर करेगा बाउंड्री को तो वो कितना होगा। ठीक है, ये आप दो चार एक्टिविटी वहां पे करवाओगे। ओके अब आप लोग मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों को कल किस किस शेप के बारे में बताया था, कुछ मुझे शेप का एग्जांपल दे दो। रेक्टेंगल, वेरी गुड, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओके दिस इज स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, वेरी गुड। ओके आप सभी ने तो बाउंड्री को मेजर किया एंड आप सभी ने उस पर थ्रेड लगा दिया। ठीक है, आप सभी ने उस पर ग्लू लगा के उस पर थ्रेड लगा दिया ना, ताकि वो और अट्रैक्टिव दिखे, काफी ज्यादा अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो आप यहाँ पे थ्रेड लगा रहे हो, आप इसे मेजर कर रहे हो ना, तो आपको पता है इसे मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। ओके व्हाट वी कॉल पेरीमीटर, एंड मैंने यहाँ पे क्या किया था, सम किया था सारे बाउंड्री को। ओके तो पेरीमीटर हमारा क्या हुआ, सम ऑफ द, सम ऑफ द बाउंड्री, सम ऑफ द, सम ऑफ द बाउंड्रीज। ओके जितने भी हमारी बाउंड्रीज होंगी उसको सम करेंगे हम तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ओके तो हियर वी कैन से दैट पेरी मीन्स, पता है क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है ना हमारे दो वर्ड से बने हैं, वन वर्ड इज पेरी एंड अनदर वर्ड इज मीटर। ओके एंड पेरी डिफाइन किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को। तो स्ट्रेट लाइन से जो भी क्लोज्ड फिगर हमारे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन से जो भी क्लोज्ड फिगर हमारे बनेंगे वो हमारे कहलाते हैं, उसके जो हम सम निकालते हैं ना उसे बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। ठीक है, लाइक हमने एग्जाम्पल दिखा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में क्या था, तीन शेप थे, तीन थे स्ट्रेट लाइन थे एंड दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर ना, तो इसका हमने पेरीमीटर निकाला।
एंड मैंने पेरीमीटर कैसे निकाला था, सम ऑफ ऑल दी एजेस, ओके, जितने भी एजेस थे ना ये सारे को मैंने सम किया तो मेरा पेरीमीटर निकल गया, ओके नाउ तो बस ओके ना आपको ना वन बाय वन बता रही हूं सम ऑफ ट्राइंगल, ओके ए बी एंड सी, तो इसके पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके नाउ वी टॉक अबाउट रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, ए बी एंड अपोजिट साइड आर इक्वल इन रेक्टेंगल ना, देन ए एंड दिस इज ऑल्सो बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, एंड मैंने आपको बताया था ना ए प्लस ए टू ए प्लस टू बी, ओके एंड हम इसमें क्या करते हैं, कॉमन जो है ना निकाल देते हैं, ठीक है कॉमन मैंने बाहर किया तो क्या हो गया मेरा ए प्लस बी, तो ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल, ओके इसी तरीके से आप स्क्वायर का भी बता दोगे, एंड इसके बाद जब आप पेरीमीटर बच्चों को बता दो इंटरव्यूअर के सामने, देन आप एरिया पे आना, ठीक है तो सेम मैं एरिया के साथ भी करूंगी, ओके मैंने पेरीमीटर बता दिया। नाउ स्टूडेंट्स आप सभी के पास बुक है मैथ बुक एंड यू ऑल हैव ड्राइंग बुक ना, अच्छा ड्राइंग बुक का जो साइज होता है वो एज कंपेयर टू मैथ बुक बड़े होते हैं, ओके आप सभी के पास है ना, तो आप क्या देखोगे ना कि अगर दिस इज द साइज ऑफ मैथ बुक तो जो हमारे ड्राइंग बुक के जो साइज होंगे ना वो बड़े होंगे इसके कंपेरिजन में, ठीक है एंड आप क्या करते हो ना कि आप दोनों बुक को कवर करते हो, ओके यू कवर बोथ द बुक टू प्रोटेक्ट देम कि वो फटे ना टीयर ना ही हो कहीं से भी, ओके तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें आपने ज्यादा कवर यूज किया है, आपके पास जो कवर रोल होते हैं किसमें आपने ज्यादा यूज किया है, ठीक है तो आपको कैसे पता चलेगा, ये चलो ये आपने मैथ बुक है ये आपका एंड दिस इज योर ड्राइंग बुक, तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें, क्योंकि कवर आप कहां से लगा रहे हो, ये पूरे को कवर कैप्चर कर रहा है ना, ये जो भी अंदर वाले एरिया है इनसाइड एरिया ये सारे को आप कवर कर रहे हो ना कवर से एंड आप इसमें भी कवर कर रहे हो, अच्छा फिगर देखने से क्या लग रहा है किसमें आपने ज्यादा कवर यूज किया होगा, इन ड्राइंग बुक और इन मैथ बुक, ड्राइंग बुक ओके, तो आपने ये तो आपने सिर्फ फिगर देख के पता कर लिया, अगर मान लो कि आपको कैसे बताना होगा कि ये ठीक है ये है मेरा ड्राइंग बुक में जो ज्यादा कवर यूज हुआ है, तो उसे आप मैथ के टर्म में क्या बोलोगे, व्हाट द स्पेस इज कॉल्ड, जो इनसाइड जो भी मेरा बॉर्डर के अंदर में एरिया होता है एरिया इनसाइड द बाउंड्री उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया, ठीक है इसे हम बोलते हैं एरिया, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज पेरीमीटर एंड एरिया, इसके बारे में अब हम लोग पूरी डिटेल लेंगे, ओके तो इस तरीके से आप बता सकते हो बच्चों को कि आप पहले पेरीमीटर आपने बता दिया कि बाउंड्री को लेके, उसके बाद फिर आप एरिया के बारे में बता सकते हो कि बाउंड्री के इनसाइड में जो भी स्पेस होते हैं ठीक है उससे हम लोग एरिया बोलते हैं, जो भी अंदर के होते हैं कवर करते हैं, इसके बाद आप जो बच्चों के पास बता सकते हो कि आपके पास ट्राइंगल शेप के पेपर मैन कटे हुए थे आपने उसके साइड में बाउंड्री लगाया है थ्रेड से, अब उसके अंदर के जो स्पेस होगा वो क्या है उसे कैसे निकालोगे, तो फिर आप उसके बाद बच्चों को फॉर्मूला बता सकते हैं, इंटरव्यूअर आपको टाइम देते हैं तो आप बता सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको मुश्किल से 6 से 10 मिनट देंगे जस्ट फॉर इंटरव्यू, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने टाइम उनके पास होंगे कि वो इससे आगे भी आपसे कुछ पूछ सकें, ठीक है तो आप वहाँ पे सिर्फ बता सकते हो कि सर मैं ये एक्टिविटी करवाऊंगा फिर इस तरीके से मैं बताऊंगा, तो वो आप वहाँ पे बता भी सकते हो, ठीक है तो ये आज का हमारा वीडियो था पेरीमीटर एंड एरिया, तो हम मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।